रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, बेखौफ अपराधी चाकू मार कर हुए फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तेज रफ्तार का दिखा कहर, ट्रक और कार की हुई जोरदार टक्कर, एक ही परिवार के 6 लोग जख्मी। नवादा को मिलेगी जल्द एफएम की सौगात, एफएम की चल रही है टेस्टिंग। ग्रामीण विकास विभाग ने की बैठक, बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा मनरेगा में 96% है उपलब्धि। उच्च माध्यमिक विद्यालय के इर्द गिर्द लगा कचरे का अंबार, छात्रों को हो रही पढ़ाई में समस्याएं। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां एसएसबी 21वीं वाहिनी कार्यालय परिसर में सांप्रदायिक सद्भाव अभियान चल रहा है। बता दें कि संचयन सप्ताह और झंडा दिवस के उपलक्ष्य में 21वीं वाहिनी ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें वाहिनी के अधिकारी और जवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मोतिहारी में एलजेपी के जिला महासचिव रघुवर यादव को उनके दोस्त ने ही गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद उसे खुद उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है, जिसके बाद सफल ऑपरेशन करके पीड़ित की गोली निकाल ली गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जा रहे थे सर, इधर से सिर्फ लखौर से लोग जा रहे थे सर, वापस घर पे खट्टे को बैठाया, जो कुछ जान पहचान था पहले से भी है। ब्लैक कहाँ जा रहे हो, जा रहे घर, तलाक से निकाल के पीछे ने मार दिया था। कारण क्या था मारने का? कुछ कारण नहीं था सर, दारू रुपया था सर, रुपया ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है सर उनसे। उसको पहचानते हैं? जी सर। नाम बताइएगा उसका। टिंकू कुमार, अरुण कुमार नाम है सर। और जयसवाल जी हैं सर, जात के जयसवाल हैं। और कोई था उसके साथ? जी नहीं, हम लोग दोनों आदमी से। मधुबनी में उत्पाद विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल इंडो नेपाल बॉर्डर के 200 मीटर पीछे मुख्य मार्ग पर उत्पाद विभाग की टीम ब्रेथ एनालाइजर मशीन से नेपाल से आने वाले की जांच करती है, तो वहीं लोगों की शिकायत की उत्पाद विभाग की टीम ब्रेथ एनालाइजर मशीन से लगे एक ही पाइप से कई लोगों की जांच करते हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों की शिकायत पर जब पत्रकार उत्पाद विभाग की चेक पोस्ट पर पहुंचे तो लोगों की शिकायत सही निकली, जिसके बाद अधिकारी से पत्रकारों के प्रश्न पूछे जाने पर डर गए और मीडिया के कैमरे पर हाथ रख कुछ भी बोलने से परहेज किया। इधर इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर सुपौल से है, जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय की इर्द गिर्द कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे बच्चे को पढ़ने में काफी कठिनाई होती है। वहीं जब इसके बारे में स्कूल के प्रधानाध्यापक से पूछा गया तो प्रधानाध्यापक साहब ने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए। अब देखने वाली बात यह है कि इस हाई स्कूल में शिक्षा विभाग कब तक जाँच करती है और इसकी विधि व्यवस्था को सुधार पाती है। हमारे क्षेत्र में 5 पंचायत है। अभी जो आप है, इस किस पंचायत के अंतर्गत आता है? ये पंचायत सिमरिया पंचायत, वार्ड नंबर 11 है। एक्चुअल है क्या, जो हमारी सरकार प्रोवाइड करवाती है शिक्षा को लेकर के, हमारे शिक्षा मंत्री का जो बार बार बयान आ रहा है, यहाँ धरातल पे जो टीचर है, जो हेडमास्टर है, वो कहीं ना कहीं लोकल है, और लोकल जो हेडमास्टर है वो
हर जगह स्कूल का जमीन अतिक्रमित है। हमने अपने सदन में भी पूछा था कि भाई जो स्कूल का जमीन अतिक्रमित है उसको कब तक अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। हर जगह का यही स्थिति है, हर जगह स्कूल के गेट पे पान गुटखा का दुकान है, हर जगह मास्टर साहब लेट से आते हैं, एमडीएम में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे मास्टर साहब से अपील करना चाहूँगा कि भाई आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, इसलिए बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करें। क्या नाम है स्कूल का? उच्च विद्यालय कुमियाही। आप यहाँ के क्या हैं? अच्छा एस हाई स्कूल के हैं। सर ये हाई स्कूल जो बना हुआ है ये कितने ज़मीन में बना हुआ? ये ज़मीन का रकबा 7 कट्ठा। 7 कट्ठा है। 7 कट्ठा में जो ये स्कूल बना हुआ है, तो ये स्कूल के अगल बगल में ये जो देखते हैं स्कूल का तो लिखा हुआ भी नहीं है, इसके लिए सरकार पैसा नहीं आई है क्या? कौन चीज़? ये स्कूल पे नाम भी देखते हैं, नाम उजड़ गया स्कूल, मतलब रिपेयरिंग यार नहीं हुआ कुछ? नहीं, 2 साल तो कोविड था, तो उसके बाद कोई राशि भी नहीं है। आपके अगल बगल में देखते हैं कचरा, आपके स्कूल के अगल बगल में कचरा लगा हुआ है, तो इसको लिए आप विभाग को जानकारी नहीं दिए क्या? कचरा बगल में हाथ उठ लगता है तो उसी का थोड़ा बहुत पन्नी उन्नी उड़ के आ जाता है। तो यहाँ हाई स्कूल में तो बाउंड्री भी नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब विभाग को क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आपसे? विभाग में अगर कोई राशि है या इस तरह का कोई प्रावधान है तो बाउंड्री किया जाए। उच्च विद्यालय किस जगह है? ये किस जगह है? कुमियाही में। कुमियाही वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 13 है। पंचायत कौन सा है? ये सिमरिया है। सिमरिया प्रखंड। प्रखंड त्रिवेणीगंज। ये हाई स्कूल जो सर बना हुआ है, आप यहाँ के ग्रामीण हैं क्या, लोकल? और हाई स्कूल देखते हैं कि हाई स्कूल का विधि व्यवस्था को लेकर के देखते हैं, यहाँ अगल बगल में कचरा भरा हुआ है, तो आपके नज़र में किस प्रकार के सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए उसको बताइए। खाली है तो इसलिए कचरा है, मतलब सब साफ हो जाएगा तो मास्टर का काम है, जिसका काम हो साफ कराएगा अपना। सहरसा जिले में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित ग्रामीण योजनाओं की बैठक की गई। बैठक के आयोजन विकास भवन के सभागार में किया गया, तो वहीं ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में मंत्री का स्वागत जिला पदाधिकारी ने पौधा देकर किया। मंत्री जी ने बताया कि जिले में मनरेगा में उपलब्धि 96% है, साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 22-23 में 5,52,000 से ज्यादा जॉब कार्ड निर्मित किए गए, जो एक उपलब्धि है। नीचे जो पंचायत स्तर पर हमारा काम करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं उनको? कृषि सलाहकार होता है, कृषि समन्वयक होता है। प्रखंड स्तर पर कृषि पदाधिकारी होते हैं, उससे ऊपर अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, उससे जिला अधिकारी होते हैं। यार कृषि के क्षेत्र में कितने अधिकारियों को लगाया गया, और उसके बाद भी अगर हमारी खेती का काम सिकुड़ता है, सिर्फ कृषि का काम अगर नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर इतने लोगों की आवश्यकता क्या पड़ी? रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस, वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर,
पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। नवादा में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, जहां घर वालों ने उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस बुला लिया। आरोपी प्रेमी रजौली थाना क्षेत्र का निवासी है, तो वहीं प्रेमी का कहना है कि मुझे एक साजिश के तहत फंसाया गया है। फिलहाल प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में लेकर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज उसकी मम्मी और पापा सब ब्रह्मभोज में गए उनको बुलाए मिलने के लिए। हम गए तो उसका भाई देख लिया, बस सब रूम के रूम में उनको बंद कर दिया। रेड उड़ से मारा वहाँ पर, बाहर से उसकी 10-20 लड़का सब आ गया, फिर उसका रूम में रेंटल वगैरह सब मारने लगा। कैसे आपको मोहब्बत हुई थी? मोहब्बत हुई थी, जाते थे कोचिंग में पढ़ने के लिए। नवादा में बड़े शहरों के तर्ज पर अब नवादा के लोगों को भी एफएम की जल्द सौगात मिलने वाली है, क्योंकि प्रसार भारती के तरफ से नवादा को 100 वाट की एफएम स्टेशन की सौगात दी गई है। तो वहीं ऑल इंडिया रेडियो के विविध भारती स्टेशन का प्रसारण फिलहाल नवादा में टेस्टिंग के रूप में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। टेस्टिंग का काम सफल होने पर इसके दायरे को बढ़ाया जाएगा और लोग 24 घंटे इस एफएम का लुफ्त उठा सकेंगे। 10 बजे से सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का प्रसारण मिल रहा है विविध भारती का। धीरे धीरे मतलब सुविधा बढ़ेगा और ऊपर के पदाधिकारी का आदेश आएगा तो इसको कंटिन्यू आवर में मतलब होगा। क्या क्या अभी इसका दिया जा रहा है सुविधा? सुविधा में केवल आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इसको आप मतलब प्रसारण का नवादा के नरहट थाना क्षेत्र के खनवा गांव के निवासी एक युवक ने गुस्से में आकर घर में रखे यूरिया को खा लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगी। वहीं आनन फानन में परिजन उसे स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल में तैनात चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इसको नहीं मिला तो फिर क्या किया ये? तो ये गुस्सा में उसी समय लड़ाई झगड़ा किया, तो एक उठे बोरा धारा हुआ था यूरिया के, वो ही एक मुठी निकालता है और यूरिया खा लिया। वाले के दिन है यूरिया पड़ा हुआ था घर में, छोटा भाई इसका था, बच्चा था, दोनों भाई भाई में ऐसा इसी लड़के झगड़ दे रहा था, गुस्सा में उसको खा के ठीक कर दिया अपने बाद यूरिया खा लिया। यूरिया क्या नाम है इसका? जिसका नाम सोनू कुमार। कहाँ घर है? खनवा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरज कुमार है। नवादा के निर्माणाधीन बख्तियारपुर रजौली एनएच 20 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर में 6 लोग जख्मी हो गए हैं। मामला बाघन बिघा ओपी इलाके का है, जहां एक ही परिवार के लोग तिलक समारोह से लौट रहे थे, तभी मोरा तालाब के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने टक्कर हो गई। इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहाँ से वापस आ रहे थे, उसी क्रम में जो है सुबह 6:30 बजे करीब वो एक ट्रक के चपेट में आ गया, गाड़ी से दाहिना साइड हुआ था, उससे सारे लोग काफ़ी घायल थे। अच्छा, कहाँ पे ये घटना हुआ है सर? ये आपका मोरा तालाब पर से आगे आया। अच्छा, आपके परिजन में कितने लोग जख्मी हैं? परिजन में लगभग 6 लोग गाड़ी में थे, जिसमें एक जो है जो ड्राइवर है तो ज़्यादा जख्मी है। ना
नालंदा के हरनौत थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 ठग को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इलाके में ठग टैक्सी स्टैंड के पास रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को जुआ खिलाकर रुपए की ठगी करते थे। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा में पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। 4 पुलिसकर्मी एक युवक के ऊपर लात और घूसे की बरसात की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नशा मुक्ति दिवस पर प्रभात फेरी के दौरान युवक अपनी साइकिल को लेकर बीच में प्रवेश कर गया। इसी बात से गुस्साए 4 पुलिसकर्मियों ने युवक को रोका और बेरहमी से लाठी और मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। अब यह पुलिस के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं इस मामले में अभी तक किसी वरीय पुलिस अधिकारियों का कोई बयान सामने नहीं आया है। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। हथियार के बल पर अपराधियों ने व्यवसायी से 2 लाख रुपए लूट लिए और चाकू मार कर फरार हो गए, जिससे व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यवसायी के चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है और मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है। मोतिहारी में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है, जहां गैस सिलेंडर में लगी आग से एक के बाद एक 13 घर जलकर खाक हो गए। तो वहीं आग के शिकार लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और इस आग से लाखों का सामान स्वाहा हो गया। दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बेतिया के एसएसबी 21वीं वाहनी बगहा कार्यालय परिसर में प्रकाश कमांडेंट 21वीं वाहनी की अध्यक्षता में संविधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कमांडेंट महोदय ने सभी अधिकारी जवानों को भारतीय संविधान दिवस के विस्तार में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में एमटी मोरेन उप कमांडेंट निरीक्षक प्रशांत कुमार समेत तमाम लोग शामिल रहे। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां 73वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में व्यवहार न्यायालय नरकटिया में
अवर न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी ने वकीलों और न्यायालय के कर्मचारियों को संविधान के प्रति शपथ दिलाई। वहीं दूसरी ओर शिकारपुर थाना में थाना अध्यक्ष रामाश्रय यादव ने पुलिस पदाधिकारियों को भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ते हुए संविधान के प्रति अपनी आस्था जताई और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां एएचटीयू टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दर्जनों अधिकारी के संयुक्त टीम ने 13 नाबालिग लड़कियों को लौरिया थाना क्षेत्र से रेस्क्यू किया, जिसमें एक लड़की असम की है, जिसे एक युवक शादी का प्रलोभन देकर लाया था, जिसके लिए पीड़ित लड़की के माता पिता ने वहाँ FIR दर्ज की थी। तो वहीं एक नेपाल की लड़की का रेस्क्यू किया गया है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मझौलिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कथित अपहरण के 2 आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पिता ने अपनी पुत्री के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसको लेकर सह थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि इस अपहरण मामले में 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोपी और एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और सभी आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि अपहरणकर्ता अभी तक बरामद नहीं हुई। ग्राम डोमरी से एक लड़की के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज हुई थी, मझौलिया थाना कांड संख्या 918-22, जिसमें 4 प्राथमिकी अभियुक्त थे, उसमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। दिल में जज्बा हो समाज सेवा करने का तो कठिन से कठिन काम रास्ते भी सफल हो जाते हैं। अगर इरादा मजबूत हो तो फर्क साफ दिखता है। कुछ ऐसा ही सुपौल जिला के राधोपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दौलतपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया भूपेंद्र कुमार मेहता ने कर दिखाया है। और साथ ही मुखिया ने ये भी मांग किया है कि पंचायती राज विभाग से मांग की, पिछले कार्यकाल में ग्राम पंचायत में चलाई गई विकास की योजनाओं में काफी धांधली हुई और उसका होना अति आवश्यक है। बढ़िया काम कर रहा है मुखिया जी। किन किन योजना पे काम हुई अभी तक में? नल जल योजना जैसे है, स्वच्छता है, या बहुत सारा योजना है, कौन कौन योजना पे काम हुई? सड़क बना रहा है, स्वच्छता बना रहा है। मुखिया जी का कार्यकाल कैसा है? 1000 लगवाए हैं। कैसा कार्यकाल है मुखिया जी का? बहुत बढ़िया है। भूपेंद्र कुमार मेहता समाज सेवी नेता है। अच्छा, और मुखिया भी है। काम हो रही है जी। आप लोग ऐसा ही मुखिया चाहते थे? जी, हम लोग यही चाहते हैं, हर एक बार यही जीते। अच्छा, इससे पूर्व में जो मुखिया रहे हैं उसके द्वारा क्या काम किया गया है? इससे पूर्व जो मुखिया रहे हैं तो उसका कार्यकाल कैसा रहा? वो उतना बढ़िया नहीं रहा। अच्छा, बढ़िया नहीं, इसकी अपेक्षा उसका बहुत खराब चला। क्या नाम है आपका? अजय कुमार मेहता। कैसा कार्यकाल चल रहा है आपके पंचायत में? बहुत अच्छा चल रहा है। किन किन योजना पे काम हो रही है अभी? अभी सड़क का निर्माण हो रहा है, मनरेगा का काम बहुत हुआ है। अच्छा, मनरेगा काम हो रहा है, सड़क निर्माण का काम होता है अभी। इससे पहले जो मुखिया पूर्व में थे उनके द्वारा जो काम छोड़ा गया था उन काम को पूरा कर लिया मुखिया जी? नहीं, वो काम तो वैसे पड़ा हुआ है, वो वहाँ पे जो एक सड़क बनाया था वो अभी टूट गया है। इसी प्रखंड में पशु सेट में जो है उजागर हुआ है, जो बिना पशु सेट बने हुए पेमेंट हो चुका है, उसी तरह इस पंचायत में भी हमको लगता है बहुत ही पशु सेट का ऐसा मामला है जो पूरा बना नहीं है, लेकिन लगता है जो पेमेंट हो चुका है, फिर भी उसका हम लोग तो देखिए रहे हैं, ऊपर से भी जांच हो रहा है, देखिए क्या होता है। अभी तक आपने इस बारे में क्या किया है? हम अपने स्तर से जो है उसका लिस्ट मंगवाए हैं, उसमें देख रहे हैं कितने पशु सेट बने हैं और कितना बिना बना हुआ का पेमेंट हुआ है। नल जल की क्या स्थिति है सर आपके पंचायत से? नल जल का देखिए बहुत ही खराब स्थिति है। नल जल के लिए हम कंप्लेन किए थे, DM साहब के साथ हम लोग का मीटिंग हुआ था, उसमें भी तो इस बीच में नल जल विभाग का जो है SDO JE मेरे पंचायत में आए हुए थे, उसको भी हम अपने जो भी कमी है उससे अवगत करवाए, तो हमको आश्वासन दिए हैं कि इसके लिए। बिहार की खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV।
सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग,